ओह गॉड, मैंने तो आज ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है, ना एक्सरसाइज लिखी, ना चैप्टर नेम लिखा। डोंट वरी, आज हम पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज एंड चैप्टर समथिंग स्पेशल एंड डिफरेंट। सो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। आज हम पढ़ेंगे एड करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक्स और टिप्स, कि कैसे मैं 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करूं, कैसे मैं 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करूं या एड करूं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डिजिट के नंबर के बारे में। अगर मैं 1 डिजिट का नंबर बात करती हूं, जैसे कि कोई बोलता है 4 × 9 मल्टीप्लाई कीजिए, सो हमें पता है कि 36 होता है, फाइन। या कोई बोलता है 8 × 2 दैट मीन 16, हमें पता है कि 16 होता है। बट अगर कोई हमसे पूछे सडनली 9 × 4, सो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 × 4 क्या होता है। याद होता है बट स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है कभी कभार। जैसे कि मैंने 4 × 9 लिखा, 36 मैंने हाल लिख दिया। अब वही मैं 9 × 4 लिख रही हूँ तो क्या लिखूंगी मैं। डोंट वरी, इसका भी ऑप्शन है हमारे पास। जैसे आपने यहाँ देखा 4 × 9 लिखा मैंने, फाइन, 4 × 9 36 लिखा मैंने। अगर आप इसको रिवर्स भी कर देंगे सो नॉट एन इश्यू, वो फिर भी 36 ही आएगा। तो हमेशा याद रखिए एक चीज, सबसे पहली बात आपको याद रख, अगर हम नंबर को रिवर्स करते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो नंबर जो है आपको वही मिलना है, आंसर जो है आपको वही गेट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 36 यहाँ भी गेट हुआ। सिमिलरली अगर मुझसे कोई बोलता है 8 × 2 या 8 × 3, मैं सोचूंगी थोड़ा सा कि 8 × 2 या 8 × 3 तो काफी बड़ा हो गया। बट अगर कोई मुझसे बोलता है 2 × 8 तो मैं फट से जवाब दे सकती हूँ दैट मीन 16, मुझे याद है कि 16 होता है। अब ये तो बात हो गई सिंगल डिजिट्स के बारे में जो कि याद रहता है हम लोगों को। अब वही अगर बात करें हम 2 डिजिट्स नंबर के बारे में, उनके मल्टीप्लीकेशन के बारे में, तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। अगर मैं 2 डिजिट्स के बारे में बात करूं, लेट सपोज हमें इंटू करना है 12 × 23 का, फाइन। अब 12 × 23 का मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो आपसे मैंने पूछा कि आपको ये विद इन अ सेकंड्स आपको इसका आंसर देना है, फाइन। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप इसको सॉल्व करने का, आपको क्या करना है, जो वंस प्लेस पे दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है हमें, 2 × 3, वंस प्लेस पर ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 3, आपको सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, फाइन। सो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 6 मिलेगा, फाइन। नाउ सेकेंड वन, आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 12 और 23, आपको क्या करना है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इसको एड करना है। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स 1 × 3 + 2 × 2 मतलब 3 + 4 दैट मीन्स 7। ये आ गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में। अब हमें करना क्या है इसमें, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ आपने 2 × 3 दैट मीन्स वंस प्लेस पे था जो उसको मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर आपको जो वंस प्लेस पर है, अब यहाँ पर आपको जो है टेंस प्लेस पर जो है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब 1 × 2 का आपको मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स 2 मिलेगा। अब आपको इसको कंबाइन कर देना है, मतलब 2 × 7 = 6 × 5 = 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कोई नंबर है इसे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, फाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक स्टेप है, इसको आपको इस तरह से कुछ लिख लेना है। मैंने लिखा है यहाँ 6, 5 और 2 और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, 6 से। तो आपको पहले क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई 6 से देना है, 6 का मल्टीप्लाई 5 से देना है और 6 का मल्टीप्लाई 2 से देना है। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से देंगे अगर हम, तो हमें मिलता है 3 और 6,
36 मिलता है हमें। फाइन, अब 6 का मल्टीप्लाई 5 से देते हैं तो हमें क्या मिलता है 30। फाइन, अब 6 का मल्टीप्लाई 2 से देते हैं तो हमें मिलता है 12। अब आपको क्या करना है ये देखिए, या एडिशन भी नहीं कहूं मैं, सिंपल आपको नोट आउट करना है। ये 3 जो है आप ऐसा का ऐसा यहाँ लिख दीजिए। फाइन, फिर 6 प्लस 3 दैट मीन्स 9, 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1 और 2 एज यूजुअल। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिल गया वो आ गया हमारा आंसर 3912। ये हमें फाइनल जो है वो आंसर मिल गया है ना, कितना आसान ये। तो इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था कुछ टिप्स और ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की। नाउ अब हम बात करेंगे एडिशन के बारे में। लर्नर्स ये देखिए, एडिशन किया मैंने 14 प्लस 5। अब 14 और 5 को ऐड करने में कभी कभार थोड़ा टाइम हमें लगता है, तो इसे ऐड करने के लिए एक ट्रिक है। आपको क्या करना है, जस्ट नियर अबाउट तक 10, 20, 30, मतलब जहाँ लास्ट डिजिट 0 हो आपको वहां पर ये नंबर्स को ले जाना है। जैसे 14 जो है वो 10 के अप्रोक्सीमेट है, तो मैंने ये किया यहाँ 10 लिख दिया और प्लस 4, मैं 10 प्लस 4 लिख सकती हूँ 14 को, तो जो कि मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया। अब मैंने 5 ऐसा का ऐसा राइट कर दिया। फाइन, अब मैं इस 10 प्लस 4 को जो है और यहाँ पर 4 प्लस 5 यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो 4 लिखा हुआ है और ये जो 5 लिखा हुआ है इन दोनों को पहले मैं ऐड करूंगी, 10 ऐसा का ऐसा रहने दूंगी। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला 9। नाउ ये 10 को ऐसा का ऐसा मैंने कॉपी किया यहाँ, सो 10 प्लस 9 दैट मीन्स 19। अब मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया है। तो इस तरह से इसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये टेंस वाला जो प्लेस है उसको आप हटा दीजिए, मतलब 10 जो है, 20 जो है, 30 जो है उसे आप साइड करके पहले जो नंबर आ रहा है आपका उसको आप ऐड कीजिए। अब जैसे कि मैंने यह सेकंड एग्जांपल लिखा है 14 प्लस 12, इसको भी मैंने स्प्लिट किया 10 प्लस 4 10 प्लस 2। अब मैंने क्या किया, इसके बाद में वही सेम ट्रिक अपनाई, 4 और 2 का प्लस किया, दैट मीन्स मुझे मिल गया 6। अब 10 भी है और यहाँ भी 10 है, तो मैंने दोनों 10 को क्या करा, प्लस करा, तो मुझे 20 मिल गया। तो 20 प्लस 6 दैट मीन्स 26, तो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल गया। तो इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं और कुछ मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े डिजिट्स के रहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको हर चैप्टर के एंड पे एक अच्छा सा टिप्स और ट्रिक्स का एक चैप्टर समझाऊंगी, ताकि आपको बहुत यूजफुल रहे ये और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। अधिकतर क्या होता है, हम एग्जाम्स के समय में ये भूल जाते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, एडिशन कैसे करें, और हमारे क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चन जो है वो हमारे गलत हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। हमें क्वेश्चन आते हैं बट मल्टीप्लीकेशन एडिशन के कारण ये हम गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स और टिप्स को आपको याद रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको मेरा ये स्पेशल लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सो प्लीज कमेंट मी। थैंक यू।